यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 6 आईएएस और 8 पीसीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। किंजल सिंह बनी महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा, प्रकाश बिंदु को यूपी सिडको का बनाया गया प्रबंध निदेशक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी को दी 1780 करोड़ की सौगात, 28 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। वाराणसी में पीएम मोदी की रैली, पीएम ने कहा काशी में तेजी से हुआ विकास। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, टीबी के खिलाफ संकल्प से होगी विजय, 2025 तक भारत बनेगा टीबी मुक्त, काशी मानवता की साक्षी रही है। वन वर्ल्ड टीबी समिट पर बोले सीएम योगी, 2025 तक भारत होगा टीबी मुक्त, टीबी हारेगा देश जीतेगा। योगी सरकार का एक साल पूरा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी रखेंगे सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कामकाज का देंगे ब्यौरा। मंत्री संजय निषाद का स्वामी प्रसाद मौर्य पर तंज, स्वामी प्रसाद मौर्य को बताया धर्म विरोधी, कहा रामचरित मानस निषादों का दिल। अलीगढ़ में बीएसपी नेता और मीट कारोबारी हाजी जहीद के ठिकानों पर 80 घंटे बाद इनकम टैक्स की रेड खत्म, हिरासत में लिया गया हाजी जहीद, बड़ी मात्रा में कैश और गोल्ड मिलने की खबर। यूपी निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली, निकाय चुनाव पर 27 मार्च को होगी अगली सुनवाई। प्रयागराज के राजरूपपुर स्थित बाल सुधार गृह में अतीक के दोनों नाबालिग बैठे, दुमनगंज पुलिस ने दाखिल की कोर्ट में रिपोर्ट, अतीक के वकीलों ने की बच्चों के सुपुर्दगी की मांग। कानपुर देहात में तेल बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 3 मजदूरों की मौत की खबर, विस्फोट में 10 से ज्यादा मजदूर घायल। बीएसपी नेता हाजी याकूब की फैमिली की संपत्तियों पर कानूनी शिकंजा, मेरठ पुलिस ने 5 करोड़ का आलिशान मकान किया कुर्क, कल 9 करोड़ की संपत्ति हुई थी जब्त। 3 दिवसीय अमेठी महोत्सव का हुआ आगाज, विधायक सुरेश पासी ने महोत्सव का किया शुभारंभ, महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। कानपुर देहात में तहसील भवन का छज्जा टूटा, छज्जे के नीचे दबकर मजदूर की हुई मौत, मजदूर तहसील भवन में कर रहा था काम। अमेठी में बाइक और ट्रैक्टर में जबरदस्त टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, जगदीशपुर को कट्टेहटी गांव की घटना। औरैया में तहसील परिसर में स्टाम्प वेंडर ने खाया जहर, उप जिलाधिकारी पेशकार पर उत्पीड़न का आरोप, गंभीर हालत में वेंडर को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमेठी में राहुल की सदस्यता खत्म होने पर भड़के कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यालय पर बड़ी संख्या में पहुंचकर किया प्रदर्शन। बिजनौर में राकेश टिकैत ने किसानों से की मुलाकात, का फसलों का रेट घटा रही है सरकार, पूंजीपतियों पर सरकार मेहरबान। शामली में एक ही समाज के लोगों ने दबंगों की दहशत में अपने घरों पर आकर मकान बिका हुए का पोस्टर लगाया, आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव मुंडेट का मामला। लखनऊ में ठाकुरगंज में घर के सामने खड़ी कार चुरा ले गए चोर, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बिजनौर के रिहायशी इलाके में तेंदुए ने मचाया हड़कंप, ईंट के खेतों में घूमता दिखा तेंदुआ, वीडियो वायरल। मथुरा में नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में पिता को आजीवन कारावास और 55,000 रुपए का अर्थदंड। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग तेज, केशव मौर्य ने अखिलेश को बताया अहंकारी, का सपा के पास गुंडे, माफिया और अपराधी। संत कबीर नगर में ग्राम प्रधानों ने हैंसर ब्लॉक के बीडीओ को हटाने की मांग को लेकर ब्लॉक गेट पर धरना दिया, ग्राम प्रधानों ने बीडीओ पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। इटावा में अपराधी नरेश यादव के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियां कुर्क, अपराधी पर 37 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। जौनपुर में दोस्त के साथ नहाने गया 15 साल का बालक की तालाब में डूबकर मौत, मृतक की बहन ने दोस्त पर हत्या का लगाया आरोप, पुलिस कर रही है पड़ताल। बांदा में पति ने ससुराल आकर पत्नी के रस्सी से गला घोंटकर की हत्या, पत्नी की हत्या के बाद खुद भी खुदकुशी की। अलीगढ़ में 2 साल पहले दिनदहाड़े डॉक्टर के अपहरण मामले में कोर्ट का फैसला, 5 आरोपियों को आजीवन कारावास, 28 जनवरी 2021 को घर से क्लिनिक जाते समय रास्ते से हुआ था डॉक्टर का अपहरण। बहराइच में गेहूं के खेत में मिला बच्चे का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। फरुखाबाद में सिर कुचलकर 60 साल के वृद्ध महिला की हत्या, घटना के खुलासे के लिए एसपी ने एसओजी टीम गठित की। रायबरेली में किसान की गोली मारकर हत्या, खेतों की रखवाली के समय अज्ञात बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम, बदमाशों की तलाश में पुलिस। सीतापुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मस्जिद को हटाने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सिंधौली कस्बे में एक मस्जिद अवैध तरीके से संचालित हो रही है।
बहराइच के बॉर्डर पर लगे अमृतपाल के पोस्टर, भारत नेपाल सीमा पर लगाए गए अमृतपाल के पोस्टर, सीमा पर चलाया जा रहा है सघन चेकिंग अभियान। झांसी के आरटीओ दफ्तर में क्या बिल्ली दफ्तर में रखी फाइलों को चूहों से बचाने का कर रही है काम। मथुरा में थाना छाता पुलिस सर्विलांस टीम और स्वाट टीम मुखबिर की सूचना पर जाल बिछाकर साहून गैंग के एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए। चंदौली में दो ट्रकों की आपसी भिड़ंत से एक ट्रक पलटा, हादसे में दो लोग गंभीर रूप से हुए घायल। कानपुर देहात में चोरों ने एक घर में नकदी समेत 3 लाख के जेवर किए पार, दीवार फांदकर घर में चोरों के घुसने की खबर। ललितपुर में पुलिस ने कुछ दिनों पहले मंदिर में हुई चोरी का किया खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार, चोरों के पास से चोरी किए गए घंटे और झालर बरामद। सहारनपुर में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा, कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर कुल हुए 6। झांसी में पूर्व सैनिक के घर का ताला तोड़कर बदमाशों ने की लाखों की चोरी, चोरों ने 17 लाख रुपए कीमत के जेवरात और 10,000 रुपए कैश रफू चक्कर हो गए चुरा करके। जालौन में पुजारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। सीतापुर पहुंचे आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर में किया दर्शन, नवरात्रि के 3रे दिन माँ चंद्रघंटा के रूप में होती है माता की पूजा, सीतापुर के नैमी शारण्य में स्थित है शक्तिपीठ ललिता देवी मंदिर। ईटा में तंबाकू व्यापारियों के 6 ठिकानों पर SGST विभाग की छापेमारी, टैक्स चोरी की शिकायतों पर की गई छापेमारी। संभल में बच्चों को परीक्षा में नकल कराता दिखा शिक्षक, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, मामले की जांच के बाद शिक्षक पर हो सकता है एक्शन। राहुल गांधी की लोकसभा से खारिज हुई संसद की सदस्यता, मानहानि केस में सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल का पहला रिएक्शन, भारत की आवाज के लिए लड़ रहा हूं लड़ाई, हर खेबत चुकाने के लिए तैयार। प्रियंका गांधी ने राहुल को बताया सच्चा देशभक्त, कहा मेरा भाई न डरा है और न कभी डरेगा। राहुल पर फैसले के बाद कांग्रेस की मैराथन बैठक, फैसले के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन का प्लान, कांग्रेस का आरोप कार्रवाई के पीछे अडानी की क्रोनोलॉजी। राहुल की सदस्यता रद्द होने पर कांग्रेस का बयान, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा राजनीति से प्रेरित है फैसला। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का बयान, बोले तानाशाही से देश को बचाने की जरूरत। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी का पलटवार, धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कानून के तहत लिया गया फैसला। राहुल की सदस्यता पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान, कहा राहुल को डराया जा रहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा राहुल को सच बोलने की मिली सजा। राहुल की सदस्यता जाने के बाद वायनाड में हो सकता है उपचुनाव, सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव कराने पर मंथन कर रहा है चुनाव आयोग। खेल विभाग की तरफ से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मान, मुख्यमंत्री धामी ने किया पुरस्कृत, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार और लाइफ टाइम अचीवमेंट का दिया अवार्ड। अप्रैल में बीजेपी विधायकों का शुरू होगा 3 दिवसीय प्रशिक्षण, केंद्रीय नेतृत्व को निमंत्रण देने के लिए जल्द दिल्ली जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, वर्चुअली माध्यम से मिलेगा प्रधानमंत्री मोदी का मार्गदर्शन। पंजाब से फरार अमृतपाल सिंह की उत्तराखंड में एंट्री की आशंका के चलते उत्तराखंड में अलर्ट, देहरादून हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों की सीमाओं पर सघन चेकिंग अभियान। उत्तराखंड में फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 2 दिन प्रदेश भर में जारी रहेगा बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। चैत्र नवरात्र के मौके पर गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय, 22 अप्रैल को विधि विधान और मंत्रोच्चारण के बीच खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। लोकसभा राज्यसभा में अडानी और राहुल की माफी पर सत्ता विपक्ष के बीच तकरार जारी, हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही 27 मार्च तक के लिए स्थगित। लोकसभा में पारित हुआ वित्त विधेयक 2023, वित्त मंत्री बोली नई पेंशन स्कीम की होगी समीक्षा। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस समेत 14 विपक्षी दलों ने लगाई याचिका, 4 अप्रैल को होगी सुनवाई।
ईवीएम पर विपक्ष ने फिर उठाए सवाल, विपक्षी पार्टियां करेंगी चुनाव आयोग से शिकायत। दिग्विजय सिंह ने कहा इलेक्शन कमीशन ने माना कि दूसरे सॉफ्टवेयर से हो सकती है ऑपरेट। पवार ने कहा हैकिंग भी संभव। देश में फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार, बीते 24 घंटे में 1249 नए कोविड केस, 8000 के करीब पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। कोयम्बटूर में कोर्ट के अंदर महिला पर एसिड अटैक, पति ने पत्नी पर फेंका एसिड, 6 लोग हुए घायल, आरोपी गिरफ्तार। पीएम मोदी पर मानहानी का केस करेगी कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी, ट्वीट कर कहा मुझे पीएम मोदी ने कहा था सुपर्णखा। राहुल गांधी की सजा पर राष्ट्रपति से मुलाकात करेगी कांग्रेस, सोमवार को बड़े आंदोलन की तैयारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला, कहा भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं सभी के हैं, कुछ लोगों को सिर्फ हुकूमत से मोहब्बत। स्पेन के जंगलों में आग का तांडव, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, कई हेक्टेयर जंगल जलकर आग। आग पर काबू पाने की भी कोशिश जारी, हेलीकॉप्टर से की जा रही है पानी की बौछार। फ्रांस में पेंशन सुधार को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज, सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। इसराइल में न्यायिक सुधार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, विरोध में छात्रों ने किया सड़क जाम, पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की। बखमुत में और तेज हुए हमले, ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले करा रूस, यूक्रेनियन बोले और हथियारों की जरूरत। रूस ने यूक्रेन के बखमुत में ड्रोन से मचाए तबाही, चारों तरफ देखी बर्बादी की तस्वीर, यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। रूस में जंग में यूक्रेन को और मिली मदद, स्लोवाकिया ने 4 MiG-29 जेट यूक्रेन को सौंपा। नॉर्वे ने यूक्रेन को दिया 8 टैंक, रूस के खिलाफ युद्ध में होगा इस्तेमाल। बुल्गारिया से यूक्रेन को बड़ा झटका, राष्ट्रपति रोमेन राधेव ने यूक्रेन को हथियार देने से किया इनकार। भारत ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक पर बैन की तैयारी, कंपनी के सीईओ के जवाब से अमेरिकी सांसद असंतुष्ट, बच्चों के लिए बताया खतरनाक। न्यूयॉर्क के गगनचुंबी इमारत से युवक ने की सुसाइड की कोशिश, एफबीआई ने जान पर खेलकर बचाया, समझाने के बाद किया गिरफ्तार। महिला बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत को मिल सकते हैं 4 गोल्ड। वनडे सीरीज हारने के बाद सुनील गावस्कर का बयान, का भारत को नहीं भूलनी चाहिए यह हार। स्विस ओपन में भारतीय शटलर पीवी सिंधु और श्रीकांत का कमाल, दोनों खिलाड़ियों ने जीते अपने मैच। आईपीएल को लेकर गुजरात की टीम का ऐलान, हार्दिक के बाद शुभमन गिल कर सकते हैं टीम की कप्तानी। आईपीएल के नियमों में एक और अहम बदलाव, व्हाइट बॉल के लिए ही ले सकते हैं डीआरएस। पाकिस्तान में भी हो सकता है एशिया कप का आयोजन, किसी और देश में होंगे भारत के मैच। वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत का जलवा, निखत नीतू ने फाइनल में बनाई जगह। सूर्य कुमार यादव के जरिए शशि थरूर ने साधा भारतीय टीम पर निशाना, पूछा कब मिलेगा संजू सैमसन को मौका। आईपीएल के नियमों में हुआ बदलाव, अब टॉस के बाद भी बदली जा सकेगी टीम। कन्नड़ एक्टर चेतन कुमार को मिली जमानत, आपत्तिजनक ट्वीट मामले में हुए थे अरेस्ट। सौरभ भास्कर ने सोशल मीडिया पर शेयर की शादी और प्री वेडिंग फंक्शन की तस्वीरें, तेजी से वायरल हो रही तस्वीरें। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा को मुंबई में किया गया स्पॉट, सवाल पूछे जाने पर राघव बोले मुझसे राजनीति पर सवाल करें, परिणीति पर नहीं। विराट और अनुष्का की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, दोनों की जोड़ी ने अवार्ड समारोह में जीती महफिल। साउथ एक्टर सूर्या ने मुंबई में खरीदा आलिशान अपार्टमेंट, 70 करोड़ बताई जा रही कीमत। रमजान के महीने में पिता बने सिंगर आतिफ असलम, पत्नी ने बेटी को दिया जन्म, तस्वीरें की साझा। फिल्म किसी का भाई किसी की जान का नया गाना हुआ रिलीज, पूजा हेगड़े के प्यार में डूबे दिखे सलमान खान।